हाँ जी, सुपर 40 की सॉल्यूशन सीरीज जो हमने शुरू की है फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर, आई होप आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे, आपको अच्छी लग रही होगी। जैसे ही मैंने वो अपलोड की थी तो काफी सारे बच्चों ने मुझे बोला कि क्या नाम है सर, इसमें जो मुश्किल वाले जो टॉपिक है जैसे कि कैपिटल गेन जैसा चैप्टर है उसको आप कराएं तो थोड़ा सा मजा आए। तो इसलिए मैंने आपको कैपिटल गेन वाला चैप्टर, दो बच्चों ने अलग से बताया कि सर कैपिटल गेन वाला चैप्टर करा दीजिए। तो जो सुपर 40 के अंदर क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं वो आपके मैक्सिमम प्रोविजंस को कवर कर रहे होंगे, प्लस आपको दोबारा मतलब आप ऐसा मान के चलेगा पूरा कैपिटल गेन ही आपका रिवाइज हो जाएगा प्रोविजंस को छोड़ के, तो आपको मजा आने वाला है। सॉल्यूशन कराऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, साथ में प्रोविजन भी डिस्कस करूंगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रेजेंट करना है, सब बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए होगा वो मुझे पक्का पक्का बताइएगा। और कुछ चैप्टर्स तो मैं खुद से भी लाऊंगा, मुझे पता है कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से प्रोविजन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहली बार ऐसा है जब हमने यूट्यूब पर अपने चैनल पर सुपर 40 पहले हम प्रोवाइड करते थे, फिर हमने बच्चों के कहने पर शुरू किया कि हम सुपर 40 के साथ सॉल्यूशन के पीडीएफ भी दे, तो हम सुपर 40 विद सॉल्यूशन लेके आए। पहले हम एग्जाम के दौरान सुपर 40 लाया करते थे, लेकिन बच्चों ने कहा एक महीने पहले हमें कम से कम सुपर 40 दीजिए। तो आपके सुपर 40 आई होप 15-20 दिन पहले से ही अवेलेबल हैं आपके पास एग्जाम में, और हम अब यहां पर हैं क्योंकि एग्जाम के बीच में और आपके साथ सुपर 40 की वीडियो सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी ऑडियंस डिमांड करते हैं वैसे ऐसे उनके लिए डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। एफर्ट अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर शेयर करिएगा कि क्या ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, या फिर आपको चाहिए कि मैं फुल फ्लेज प्रोविजन पहले रिवाइज कराऊं। जैसे आप बोलेंगे वैसा कर दिया जाएगा, अगर आप बोलेंगे कि सर प्रोविजन अलग रिवाइज कराइए, क्वेश्चन अलग कराइए, तो वो भी हो सकता है, जैसा आप बताएंगे वैसा होगा। भारी मात्रा में सब्सक्राइब करिएगा, टारगेट है हमारा इन एग्जाम्स के दौरान हम 10,000 की फैमिली पूरी हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमने कैपिटल गेन की सीरीज में रखा है वो रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपका। इलस्ट्रेशन नंबर 8 कवर करता है उस पॉइंट को जिसमें कैपिटल गेन को कन्वर्ट किया जाता है स्टॉक इन ट्रेड में, और काफी सारे बच्चों को इसमें जो प्रॉब्लम होती है। तो मैं बताता हूं आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले दो मिनट के लिए प्रोविजन बता देता हूं आपको, कैपिटल गेन को जब हम कैपिटल असेट को कन्वर्ट करते हैं स्टॉक इन ट्रेड में तो प्रोविजन क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई असेट खरीदी ड्यूरिंग द ईयर 2004 और 5, ठीक है, उसकी जो उस समय पर कॉस्ट थी वो थी 5 लाख रुपए। उसके बाद 16-17 में मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। उसके बाद मैंने उसे बिजनेस में 23-24 में बेच दिया, और जिस दिन मैंने कन्वर्ट किया उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है मान लीजिए वो है 4 लाख रुपए, और उसके बाद मैंने बिजनेस से बेच दिया है इसको यहां से पीजीबीपी से। अब सवाल यह आया कि सर हम जो इंडेक्सेशन दे वो 5 लाख से दे, कॉस्ट जो बिजनेस के लिए माने वो यहां पर मान लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू है, 4 की जगह मैं यहां पर ज्यादा कर देता हूं, 14 लाख रुपए उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, कन्वर्ट कर दिया और बेच दिया हमने मान लीजिए 20 लाख रुपए में, तो हम प्रोविजन को कैसे सॉल्व करें। इसे बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो कुछ प्रोविजन है जो क्वेश्चन के साथ साथ में सॉल्व करता हूं। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो कैपिटल गेन के लिए मानी जाती है, हम मान लेते हैं कि असेट ट्रांसफर इस दिन होगी, ये उस पॉइंट के एक एक्सेप्शन में आता है जिसमें बोलते हैं कि कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। उस पॉइंट का एक्सेप्शन है ये, जो क्या कहता है कि ट्रांसफर तो हम मान लेंगे जिस दिन कन्वर्ट हुई है आपके हाथ से कैपिटल असेट, ध्यान रखना पर्सनल इफेक्ट की असेट नहीं होनी चाहिए कार वगैरह, जिस दिन कैपिटल असेट कन्वर्ट होती है आपके स्टॉक इन ट्रेड में उस दिन ट्रांसफर मान लिया जाता है, लेकिन जो टैक्स की कंप्यूटेशन होगी दोनों ही हेड में, पीजीबीपी में भी और क्या नाम है आपके कैपिटल गेन में भी, वो दोनों ही होगी किस ईयर में बैठ के, जिस ईयर में बैठ के सेल हो रही है। लेकिन जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर ली जाती है, और क्या नाम है आपकी कॉस्ट ऑफ जो इंडेक्सेशन है वो यहां से दिया जाता है। फिर पीजीबीपी के लिए जो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन है उसे मान लिया जाता है बिजनेस की कॉस्ट, और ये बिजनेस की सेल से माइनस करके पीजीपी की इनकम निकाली जाती है। तो ये मैंने एक छोटा सा प्रोविजन बताया आपको क्वेश्चन करने से पहले। फिर आते हैं क्वेश्चन पे फटाफट से। क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर ए ने कन्वर्ट किया है कैपिटल असेट एक्वायर्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹50,000, कब किया है, जून में 2003 में, इनटू स्टॉक इन ट्रेड इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो जो उसने खरीदा था कौन से ईयर में, 50,000 का खरीदा था जून 2003 में, उसको उसने कन्वर्ट कर दिया है कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में, कब, नवंबर 2022 में। इसका मतलब नवंबर 2022 इज द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। उसके बाद जो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू है कन्वर्जन की वो 4,50,000 रुपए है। तो क्लियर कट बात है फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन दिस 4,50,000 विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो कि टैक्सेबल तब होगी जब क्या नाम है आप सेल कर देंगे। तो स्टॉक इन ट्रेड वॉज सोल्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹6,50,000 इन द मंथ ऑफ सेप्टेंबर 2023।
तो ध्यान रखना सितंबर 2023 का जो प्रीवियस ईयर है वो है 23-24, जबकि जिस दिन कन्वर्जन हुआ है नवंबर 2022 वो है 22-23। तो इसका मतलब टैक्स किस ईयर में निकालेंगे, 23-24 में। कंप्यूटेशन कैपिटल गेन की कौन से ईयर तक के इंडेक्सेशन से होगी, वो होगी आपकी 22-23 की। तो सिंपल सॉल्यूशन कैसे होगा, पहले हम लिखेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और अमाउंट लिखेंगे 4,50,000। तो मैं आपको इसी में दिखा देता हूं, ये रही आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 4,50,000। फिर आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, खरीदा था आपने 50,000 रुपए में, कौन से ईयर के इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है उस ईयर के इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करें, या जिस ईयर में हमने पीजीबीपी से सेल किए तो जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है उस ईयर तक का इंडेक्सेशन लगाएंगे। इसलिए इन्होंने 22-23 का इंडेक्सेशन लगाया ना कि 23-24 का। चेक कर लेते हैं ये इंडेक्सेशन कौन से वाला है, ये रहा 22-23 के इंडेक्सेशन से ऊपर मल्टीप्लाई किया है, और नीचे जैसे इंडेक्सेशन दिया जाता है वो आपको पता ही होगा, वो हमने डिवाइड कर दिया। ये आ गई इसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और यहां पर हमने अमाउंट निकाल दिया। फिर सवाल आया पीजीबीपी की इनकम कैसे निकलेगी, तो पीजीबीपी से सेल कितने में हुआ, ये देखो 6,50,000 रुपए में आपने पीजीबीपी से सेल किया है, और हमने मान लिया आपने किसी और से लिया था, एफएमबीपी उस पे टैक्स लगा दिया, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू आपके बुक्स में रिकॉर्ड हुई है उस दिन के लिए, तो वो 4,50,000 रुपए आपके बिजनेस की कॉस्ट मान ली जाएगी। तो ये रहा आपका 4,50,000 रुपए और हमने यहां पर टैक्स लगा दिया। आई होप ये बिल्कुल सिंपल प्रोविजन और आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना पर्सनल इफेक्ट जो चीजें होती है, जैसे मैंने मोटर कार को कन्वर्ट कर दिया, तो उस केस में कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट नहीं होता है। यह है इलस्ट्रेशन नंबर 8, ठीक है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन डाला है, कौन सा वाला मैंने क्वेश्चन डाला है, मैंने यहां पर क्वेश्चन डाल दिया स्लम सेल का। तो स्लम सेल का जो क्वेश्चन है वो एक नॉर्मल कैपिटल गेन के क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग होता है, तो स्लम सेल का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको कराऊंगा वीडियो के एंड में। पहले नॉर्मल कैपिटल गेन सेल परचेस क्या होता है वो सिखाता हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका 111A वाला प्रोविजन है, 112A वाला प्रोविजन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, जो शेयर्स स्पेसिफिक है, ये भी मैं वीडियो के लास्ट में कराऊंगा। अभी आता हूं मैं सेल परचेज की बातें करता हूं, इंडेक्सेशन की बातें करता हूं, एग्रीमेंट हो गया क्या हो गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बड़े क्वेश्चन है और आपको एक आइडिया दे देंगे कि कैपिटल गेन के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कंप्यूट द इनकम चार्जेबल टू हेड कैपिटल गेन फॉर मिस यूवी का 24-25 असेसमेंट ईयर, इसका मतलब प्रीवियस ईयर 23-24, द चॉइस ऑफ एग्जेम्पशन मस्ट बी इन द मैनर ऑफ मोस्ट बेनिफिशियल टू द एसेसी, इनका सब देखेंगे। यहां से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे यहां पर एक नंबर लाइन बनाते जाएंगे, आप भी अपनी आंसर शीट में बना सकते हैं रफ के तौर पर कि क्या क्या क्वेश्चन में चल रहा है, ताकि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। क्वेश्चन पढ़ता हूं पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे मिस यूवी का बॉट अ वेकेंट लैंड कौन से लाख लैंड फॉर 80,00,000 रुपए इन मई 2005। तो मैं यहां पे बोलता हूं कि देखो मई 2005 से तो मुझे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन 2005-2006 से मुझे लेना देना है। इस दिन की जो कॉस्ट एक्वायर की है, जो कॉस्ट है इस दिन की, वो कितनी की है उन्होंने, 80,00,000 रुपए की, ठीक है। 80,00,000 रुपए की कॉस्ट हम लेके आए हैं। मिस यूविका बॉट अ वेकेंट लैंड ऑफ 80,00,000 रुपए मई 2005 में, रजिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस 10% ऑफ द कॉस्ट है, तो क्या ये भी हमारी कॉस्ट का पार्ट होगा, आंसर इज यस। तो 10,00,000 प्लस 10% दिस विल बी द एक्चुअल कॉस्ट, ये हो जाएगा 88,00,000 रुपीज, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा शी कंस्ट्रक्टेड द रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑन द सेड लैंड, पूरी लैंड के ऊपर उन्होंने क्या नाम है बिल्डिंग बना दी है 100,00,000 रुपए की 7-8 में। तो हम अपने क्वेश्चन में आएंगे फटाफट से, और यहां पर नंबर लाइन बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा आपका, 2-3 मिनट लगेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन को गलत होने से बचा देगा। उस समय की जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो है 100,00,000 रुपीज, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन बोल रहा है शी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ अबव सेड रेजिडेंशियल हाउस विद मिस्टर जौहर नॉट अ रिलेटिव, बहुत अच्छी बात है, कौन से को, अप्रैल 2015 में सेल्स कंसिडरेशन फिक्स की गई थी 700,00,000 रुपए की 23-4-2015 यानी 15-16 में, और यूविका को 20,00,000 रुपए एज एन एडवांस मिले हैं, कैश में मिले हैं, ध्यान रखना कैश में मिले हैं, ये थोड़ी सी गड़बड़ वाली बातें हैं, बाय एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट, हाउएवर ड्यू टू फेलियर ऑन पार्ट ऑफ जोहर द सेड नेगोशिएशन कुड नॉट मेटेलाइज एंड हेंस द सेड अमाउंट वाज फॉरफिटेड। तो यहां पर पॉइंट आता है कि जब आप सेल करने से पहले का आपने कभी पहले भी एग्रीमेंट किया हुआ है, और पहले जब एग्रीमेंट किया था आपने वो सेल मेटेलाइज नहीं हो पाया, जो भी आपको टोकन मनी एडवांस मनी मिलती है वो आप फॉरफिट कर लेते हैं, तो क्या होता है, तो जरा ध्यान से देखिएगा बताता हूं। तो 2015-16 की बात थी, ये थी 15-16 में क्या हुआ, 15-16 में आपने एडवांस मनी फोरफिट कर ली, और सभी को पता है कि अगर 31-1-2014 आप डेट एक बार चेक करें, 31-3-2014 से पहले अगर वाला होगा डेट एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, तो वो क्या होगा, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस होता था। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, ये देखिए डेट कौन सी है, ये डेट है कौन सी वाली, 23-4-2015 यानी कि आफ्टर वाली डेट है। तो अमाउंट कितनी है, यहां पर 20,00,000 का जो एडवांस था यहां पर जो आपको रिसीव हुआ है, दिस 20,00,000 एडवांस मनी जो आपने फोरफिट कर ली है, दिस विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाईओएस, अगर आप
पहले वाली अमाउंट होती, डेट एक बार कंफर्म कर लेना आप, पहले वाली अमाउंट होती, तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब हम टैक्स निकालेंगे तब उसमें से माइनस की जाती है इंडेक्सेशन का बेनिफिट देने से पहले। ठीक है, मिस्टर युविका ने फिर से एग्रीमेंट किया है 1/8/2023 यानी 23-24 के लिए फॉर द सेल ऑफ दिस आउट 810 लाख रुपए का एग्रीमेंट हुआ है कि हम इतने में बेचेंगे और उसे रिसीव हुआ है 80 लाख एज एडवांस एज आरटीजीएस, तो उसे एडवांस भी मिल गया है यानी कि कैश मोड से नहीं मिला है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिला है। द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट 890 लाख रुपए है। अब इसमें दो प्रोविजन आने वाले, जरा ध्यान से देखिएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर 110% क्या होता है वो समझाऊंगा आपको। दूसरी चीज, अगर एग्रीमेंट की डेट पे सेल ट्रांसफर नहीं होती और आगे किसी डेट पे होती है और उस समय की एसडीबी बदल जाती है तो क्या होगा, वो सारे प्रोविजन इस क्वेश्चन के अंदर हैं। द सेल डीड वाज एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड ऑन 14/1/2024 यानी कि जब एडवांस मिला था उस दिन सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, आगे जाके हुई, एग्रीड कंसीडरेशन जो पहले थी, हाउएवर द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उसके बाद बदल गई, हेंस द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू फॉर द पर्पस 900 लाख रुपए होगी। अब सवाल क्या होता है जरा ध्यान से देखिए, मैं बताता हूं आपको, एक डेट है एग्रीमेंट की डेट, एक डेट है एक्चुअल सेल की डेट। एग्रीमेंट की डेट पे जो एसडीवी है वो है शायद 810 लाख रुपए, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं एग्रीमेंट की डेट की एसडीवी कब है, एग्रीमेंट की डेट की एसडीवी है 890 लाख रुपए, तो 890 लाख रुपए एग्रीमेंट की डेट की एसडीवी है और फिर आगे जब सेल हुई तो उस समय पर जो एसडीवी बनी वो बनी आपकी एसडीवी वो बनी आपकी 900 लाख रुपए, ये 890 है 900 लाख रुपए है। तो सवाल ये आया कि सर पहले ये बताओ एक्चुअल कंसिडरेशन क्या है, पहले तो ये देखते हैं, एक्चुअल जो हमने तय किया है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो है आपकी 810 लाख रुपए में एग्री की है, तो जो एक्चुअल कंसिडरेशन है जिससे इन दोनों अमाउंट को कंपेयर करने की बातें की जाएगी वो है 810 लाख रुपए। अब सवाल ये आता है कि हम क्या प्रोविजन पढ़ते हैं कि जो भी आपकी एक्चुअल कंसिडरेशन जो सेल्स कंसिडरेशन होती है उसे कंपेयर करते हैं एसडीवी से, और अगर आपकी एसडीवी ज्यादा होती है तो हम एसडीवी को ले लेते हैं प्रोवाइड वो जो एसडीवी ज्यादा हो वो एक्चुअल कंसिडरेशन के 110% से भी ज्यादा होती है तब लेते हैं, ठीक है, तब उसका ही प्रोविजन आई हो, इतना प्रोविजन तो आपको पता होगा। तो 810 लाख रुपए को किससे करें कंपेयर, सवाल ये आता है। तो अगर आपने एग्रीमेंट की डेट पे सिर्फ हवा हवा में बातें नहीं की थी, एग्रीमेंट की डेट पे कोई पेमेंट भी आई थी और पेमेंट जो थी आपकी वो एनी मोड अदर देन कैश थी, तो हम एग्रीमेंट की डेट की एसडीवी ले लेंगे, इसलिए एग्रीमेंट की डेट की एसडीवी यहां पर ली जाएगी। फिर सवाल आता है 810 लाख रुपए जो है इसमें आप 110% करके देखिए, तो 110% करेंगे जब हम इसका तो 10% इसमें ऐड कर देंगे मतलब 81 लाख रुपए ऐड कर देंगे, तो जब हम 810 लाख रुपए में 81 लाख ऐड करते हैं तो वो जाता है 891 लाख। तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये 10% के विदिन है, मतलब अंदर है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अगर 900 लाख से मैं कंपेयर करता तो 900 लाख लेनी पड़ती मुझे, लेकिन अब इस केस में क्योंकि इसका जो 110% है वो इससे कम ही रहने वाला है, मतलब इससे ये ज्यादा हो जाएगा और एसडीवी कम रहने वाली है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप 810 लाख रुपए को भी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में लिख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन पे ठीक है, और इतनी बातें हैं यहाँ पर, बाकी ब्रोकरेज वगैरह जो पे किया है युविका ने 1% का, ध्यान रखना जो ब्रोकरेज पे किया जाता है वो एक्चुअल अमाउंट पे किया जाता है। 810 लाख रुपए का जब आप 81 लाख रुपए ऐड करेंगे 810 लाख रुपए में तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार सॉल्यूशन में चेक करते हैं, कैलकुलेशन वगैरह आप खुद से भी चेक करना, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, अब उन्होंने कहा एक्चुअल सेल्स 810 है और ये हमने जो स्टैंप ड्यूटी 890 लाख रुपए वो क्यों ली है, इसीलिए जो एक्चुअल कंसिडरेशन हो गई है वो 810 लाख रुपए, मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 810 लाख लेंगे, 1% का ब्रोकरेज कमीशन है वो हमने यहाँ से माइनस कर दिया। फिर सवाल आता है कि सर इंडेक्सेशन कैसे देंगे, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, इंडेक्सेशन में हम क्या करेंगे, 5-6 की अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे, सेल 23-24 में हो रही तो 23-24 के इंडेक्सेशन को जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसे ऊपर रखेंगे और यहाँ पर 88 लाख मल्टीप्लाइड बाय जो डिवाइड करेंगे वो 5-6 के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से करेंगे, तो जो भी 5-6 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा होगा ये रहा 117 रुपए। तो पहले मैं आता हूं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के सॉल्यूशन पे, आ जाइए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के सॉल्यूशन में आएंगे, 80 लाख प्लस 8 लाख 88 लाख और मल्टीप्लाई करेंगे 348 से, डिवाइड करेंगे 117 से, फिर 100 लाख वाले को भी ऐसे ही करेंगे 348 से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन डिवाइड करेंगे जिस ईयर में उसने वो बनाया था, तो 78 में बनाया था, तो 78 का जो भी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होगा उससे हम कर देंगे डिवाइड। तो आ जाइए भाई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से हमने डिवाइड कर दिया। आई होप बड़ा सिंपल तरीके से मैंने आपको ये प्रोविजन बनाया है, अगर आप बोलोगे नहीं सर पूरा प्रोविजन पहले समझाइए पूरे कैपिटल गेन को समझाइए तो वो भी मैं कर दूंगा, अभी मैं सुपर 40 के सॉल्यूशन के थ्रू आपको रिवाइज कर रहा हूं, आई होप आपको ये सारे प्रोविजन पता होंगे, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन हमारा, उसके बाद एग्जेम्पशन से रिलेटेड कुछ बातें हैं, मैंने कहा जरा पढ़ लेता हूं जरा क्या किया है उन्होंने, कह रहे उन्होंने सब्सिक्वेंटली मिस युविका मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स, एक्वायर्ड किए हैं 2 रेजिडेंशियल हाउस दिल्ली में और चंडीगढ़ में 130 लाख और 50 लाख रुपए के इन डेट्स को। तो आपको पता होगा कि जब भी एक्वायर करने की बातें आती हैं तो इसका मतलब आप कब तक एक्वायर कर सकते हैं, आप एक्वायर कर सकते हैं खरीदने की बात करें तो हम 2 साल तक है और कंस्ट्रक्शन करने की बात करें तो 3 साल तक है और 1 साल पहले भी आप कर सकते हैं। तो उसने 2 रेजिडेंशियल हाउस खरीदे, तो 54
सेक्शन ये कहता है जब आप रेजिडेंशियल हाउस बेच के रेजिडेंशियल हाउस खरीदते हैं तो क्या हो जाता है, आपको 54 में आपको एग्जेंप्शन मिल जाती है, लेकिन एक ही घर की मिलती है। अब यहां पर उन्होंने दो घर खरीदे हैं दिल्ली में भी और चंडीगढ़ में, तो क्या होगा, तो आपको एक घर का मिल जाएगा। तो बेनिफिशियल कौन सा रहेगा, दिल्ली वाले घर के लिए बेनिफिशियल रहेगा, 130 लाख रुपए का आप ले लीजिए। और उसके बाद उन्होंने यूके में खरीदा, तो इसके लिए तो आपको नहीं मिल पाएगा, इंडिया में खरीदना होना चाहिए। और एनएचएआई के बॉन्ड खरीदे हैं आपने 54EC में अलाउड होते हैं, एनी कैपिटल असेट को जब आप ट्रांसफर करके बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हैं 54EC में, 29-3 को खरीदे हैं। 29-3 का मतलब है विद इन 6 मंथ्स ऑफ ट्रांसफर होना चाहिए, और ये विद इन 6 मंथ्स ऑफ ट्रांसफर है 50 लाख रुपए, और जो 40 लाख रुपए 12-5 तो विद इन 6 मंथ्स को एक्सपायर कर जाएंगे। तो देखेंगे जरा कितना क्या नाम है, क्या इसके लिए उनको मिल पाएगा, आंसर इज नो। तो देखिए 54 में जो उन्होंने एग्जेम्पशन दी है पहले 130 लाख रुपए की दी है, फिर उसके बाद 54EC में जो दी है फाइनेंस, देयरफॉर द प्रेजेंट केस एग्जेम्पशन कैन बी अवेल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख आउट ऑफ 90 लाख। इसका मतलब जो विद इन 6 मंथ्स, यानी कि विद इन 6 मंथ्स में दोनों अमाउंट एलिजिबल आ रही है। डेट आप कंप्यूट कर लीजिएगा कि कौन सी डेट से 6 मंथ्स काउंट होंगे, तो फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर अगर विद इन 6 मंथ्स आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोनों ही आपको अलाउड होती है, लेकिन जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो 50 लाख ही दी जा सकती है। तो इसलिए उन्होंने यहां पर 50 लाख रुपए माइनस कर दिए हैं। अगर अमाउंट दोनों एलिजिबल है तब भी 50 लाख आंसर होगा, अगर 40 लाख अमाउंट एलिजिबल नहीं थी तब भी 50 लाख ही यहां पर अमाउंट का आंसर होगा, और आपका निकाल लिया इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बड़ा ही इन डिटेल एनालिसिस वाला क्वेश्चन था, सारे प्रोविजन रिवाइज करा देता है। उसके बाद चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कहता है, फिर से मैं उसे नंबर लाइन बना के समझाऊंगा आपको, और आप भी एग्जाम में कोशिश करना कि नंबर लाइन बना के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। मिस्टर शिवा ने परचेज की एक हाउस प्रॉपर्टी, कब खरीदी है, 1/4/2001 से पहले खरीदे, तो एक और प्रोविजन, इसलिए सुपर 40 इंपॉर्टेंट होती है कि ये आपके मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करती है। कितने की खरीदी, 3,24,000 की, इन एडिशन उसने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी पे की 10% की, ऑन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 3,50,000 की, इसका मतलब 35,000 का और खर्चा हुआ है, और इसे आप बोल सकते 3,59,000 की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 1/4/2001 से पहले। तो 1/4/2001 पे हमारे प्रोविजन कुछ एप्लीकेबल होते हैं, साथ साथ मैं आपको बताता चलूंगा। 3,59,000 की टोटल अमाउंट है, इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ जो भी उन्होंने एक्सपेंस पे किए हैं, ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। अब मुझे यहाँ पर दो चीज़ें देखनी होती है, फेयर मार्केट वैल्यू का एक प्रोविजन है और SDV का एक प्रोविजन है। अगर खाली फेयर मार्केट वैल्यू दी है या खाली SDV दी है तो विच एवर इज हायर हम कर देते हैं, लेकिन अगर दोनों दी हैं इस समय पर तो हम पहले यहाँ पर देखते हैं विच एवर इज लोअर, जो अमाउंट निकल के आती है फिर उसे कंपेयर करते हैं एक्चुअल जो हमने खरीदा है, विच एवर इज हायर तब हम इसमें आंसर लिखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, एक ही चीज गिवन है, दोनों चीजें गिवन है। देखिए फेयर मार्केट वैल्यू में ढूंढूंगा पहले, 1 अप्रैल 2001 को फेयर मार्केट वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी की 11,85,000 रुपए है, और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 10,70,000 रुपए है, ठीक है। फर्दर द वैल्यूएशन एज पर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द सच हाउस जो है नवंबर 2023, आगे की बात है, तो मैं 1/4/2001 की पहले बातें कर रहा हूं, तो 11,85 है फेयर मार्केट वैल्यू और 10,70 है आपकी SDV, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 11,85 और 10,70। अब इनमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, इनमें से मुझे पहले विच एवर इज लोअर लेना पड़ेगा, तो विच एवर इज लोअर कौन सा आ गया आपका 10,70,000। तो ये जो 10,70,000 रुपए है और इन दोनों में कंपेयर करूंगा मैं विच एवर इज हायर, तो आंसर क्या आएगा 10,70,000। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस क्वेश्चन के लिए आपकी होगी 10,70,000। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाले पार्ट को हमने कर लिया है सॉल्व, अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, अप्रैल 2008 में मिस्टर शिवा ने एंटर किया था एक एग्रीमेंट विद मोहन फॉर द सेल, अप्रैल 2008, इसका मतलब ये बिफोर वाला टाइम वाला है, इसका मतलब अगर ये अमाउंट जो है फोरफिट हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस होगा, ध्यान रखिएगा इंडेक्सेशन देने से पहले, ठीक है। एग्रीमेंट जो सेल का था वो 14,35,000 रुपए का था, और जो रिसीव हुई है अमाउंट वो 1,11,000 रुपए हुई है एडवांस से, हाउएवर द सेल डिड नॉट मटेरियलाइज एंड शिवा फोरफिटेड द एडवांस। तो इसका मतलब ये वाला जो एडवांस है ये बिफोर वाला एडवांस है, और जो हमने 10,70,000 की कॉस्ट लिखी है उसमें से माइनस कर देंगे एज इट इज अमाउंट 1,11,000, उसके बाद कोई इंडेक्सेशन देंगे, ठीक है। ही अगेन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सेड हाउस 20,25,000 से दीपशिका से, और उससे भी एडवांस रिसीव हुआ है, कौन सी डेट को, मई 2015 में, ठीक है। हाउएवर उसकी भी सेल मटेरियलाइज नहीं हुई और शिवा ने फोरफिट कर लिया है अमाउंट, ये आफ्टर वाली डेट है, और जो अमाउंट है आपका 1,51,000 रुपए का, ठीक है, और 1,51,000 रुपए का ये चला जाएगा सीधा सीधा IUS में टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो अमाउंट है 1,11,000 रुपए आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से डिडक्ट होगा अभी जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन अगस्त 2015 शिवा ने कंस्ट्रक्ट किया है फर्स्ट फ्लोर बाय इनकरिंग कॉस्ट ऑफ 3,90,000। तो ये मेरे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, अप्रैल कौन सा था, अप्रैल एक बार चेक कर लेता हूं मैं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अगस्त 2015 में 3,90,000 का खर्चा किया है, तो मैं अगस्त 2015 को 15-16 लिख के यहाँ पर 3,90,000 की उसकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या कंस्ट्रक्शन जो भी आप बोलना चाहें वो आप बोल सकते हैं। आगे चले हम
नवंबर 15 2023 को शिवा ने एंटर किया है एक एग्रीमेंट विद मनीष फॉर सेल ऑफ हाउस 30,50,000 का, और उस समय पर अमाउंट भी मिला है 1,50,000 एडवांस थ्रू अकाउंट पे ही चेक, तो ये ऑनलाइन उसमें आता है, ठीक है, क्रॉस चेक नहीं है। मिस्टर मनीष ने पे किया है बैलेंस एंटायर अमाउंट शिवा को ट्रांसफर कर दिया है हाउस फरवरी 20 2024 को, ध्यान से सुनना। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, फरवरी 20 और नवंबर 15 2023 दोनों ही 23-24 के अंदर आते हैं, लेकिन अगर दोनों की एसडीवी अलग अलग दी होगी तो क्योंकि मेरे एग्रीमेंट की डेट पे मैंने अमाउंट जो रिसीव किया है वो एनी मोड अदर देन कैश किया है, इसलिए जो एग्रीमेंट की डेट की एसडीवी होगी वो मेरे लिए रेलेवेंट होगी। अगर मैं कैश में रिसीव कर लेता तो मेरी जो आगे वाली डेट है जिसमें एसडीवी और बढ़ के आ जाती है वो वाली लग जाती, ठीक है। और शिवा ने पे किया है ब्रोकरेज 1%। एक ब्रोकरेज पे बात बता दूं मैं आपको, हमेशा ब्रोकरेज जो लगती है वो एक्चुअल कंसिडरेशन पे लगती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या अमाउंट आया है। तो उसने कहा फुल वैल्यू ऑफ जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है आपकी जो 15 नवंबर की है वो 39 लाख रुपए है, और जो बाद में बढ़ गई थी वो बढ़ गई थी क्या नाम है 41 लाख रुपए की, लेकिन मेरे दिमाग में प्रोविजन है कि ये मेरे काम की चीज नहीं है, 39 लाख रुपए ही मेरे काम की चीज है, और एग्रीमेंट किया जा रहा है कि मैं बेच दूंगा इस हाथ को, इस हाउस को 30,50,000 रुपए में। तो ध्यान से सुनना, जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होने वाली है ना, अगर मैं इसका 110% कर दूं तो 33 लाख समथिंग कुछ आएगा, जो बहुत दूर है हमारी फुल वैल्यू ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 39 लाख रुपीज से। तो जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आने वाली है हमारी वो आने वाली है 39 लाख, लेकिन जब उसमें से मैं ब्रोकरेज कमीशन पे करूंगा तो वो 1% करूंगा, और 1% होगा एक्चुअल अमाउंट का। यहां कई सारे बच्चे गलती करते हैं जिसमें 39,000 का आप क्या नाम है 1% निकाल देते हैं। तो क्वेश्चन में आ जाता हूं मैं, अब सॉल्यूशन में, तो मैं इसके सॉल्यूशन पर आया मैं, तो सॉल्यूशन में उन्होंने कहा कि डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान ली जाएगी आपकी 39 लाख रुपीस, प्रोविजन मैंने पूरा समझाया आपको, और उसमें से माइनस किया जाएगा 1% का ब्रोकरेज, लेकिन जो 1% का ब्रोकरेज होगा वो होगा आपका 30,500 रुपए। फिर सवाल आया कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे, उन्होंने कैसे निकाला होगा वो मैं समझा देता हूं आपको। तो उन्होंने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आप भी सॉल्यूशन में चेक कर लेना, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने मन तो कर रहा होगा उनका 10,70,000 रुपए निकालने का, लेकिन मजबूरी क्योंकि उन्होंने एडवांस मनी फोरफिट की थी, और कितने की एडवांस मनी फोरफिट की है उन्होंने, उन्होंने जो एडवांस मनी फोरफिट की है वो 1,11,000 वाली है बिफोर वाली, तो उन्होंने यहां से माइनस किया होगा 1,11,000 रुपए, जो भी अमाउंट बची होगी उन्होंने जो भी ईयर है 23-24 के ईयर के इंडेक्सेशन से, और डिवाइड किया होगा उन्होंने नीचे 100 से, 100 किसका है 1-2 का जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, और ये 348 है, ये आप चेक कर लेंगे। फिर उन्होंने क्या माइनस किया होगा, फिर उन्होंने कॉस्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस की होगी, इंप्रूवमेंट उन्होंने कितने की है 3,90,000 रुपए की। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 23-24 का आप ऊपर लिखेंगे, और डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आप कौन सा वाला लिखेंगे 15-16 वाला नीचे लिखेंगे, तो यहां से आपके दो चीजें आ जाएंगी, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों, सॉरी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों आपकी यहां से सॉल्व हो जाएंगी, और इस तरीके से आंसर आ जाएगा। आप एक ही इस बार की कैलकुलेशन और अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करके रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आया डाउट आया आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो ये थे हमारे दो और क्वेश्चन है हमारे, फटाफट से वो बता देता हूं मैं आपको। आई होप आपको प्रोविजन साथ के साथ समझ आ रहे हैं और चीजें भी समझ आ रही हैं। एक 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का क्वेश्चन है, वो फटाफट से बता देता हूं आपको। देखिए, मिस्टर मिथुन ने परचेज किए 100 इक्विटी शेयर्स मेसर्स गुड मनी कंपनी लिमिटेड 1/4/2007 को, और जो रेट है वो 1000 पर शेयर में परचेज किए थे कंपनी जो इशू किए थे, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया था, और ये कंडीशन होती है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर आप पे करेंगे तभी 112A का बेनिफिट ले सकते हैं। कंपनी ने अलॉट की है बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:1 का मतलब होता है तुम्हारे पास जितने शेयर थे उतने शेयर और मिल जाएंगे तुम्हें, यानी कि अब उसके पास जो टोटल शेयर्स हो गए हैं वो हो गए हैं 200 शेयर्स, ठीक है। उसके बाद He also received dividend of 10% on 1/5/2023. उसे डिविडेंड भी मिला, मैंने कहा भाई डिविडेंड तो IOS का मैटर है इसे छोड़ देते हैं अभी। उसने सारे के सारे शेयर्स बेच दिए 1/10/2023 को एट द रेट 4000 पर शेयर थ्रू अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एंड पेड द ब्रोकरेज एट द रेट 1% इन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ये सारी चीज उसने पे की जो कि कंडीशन रिक्वायर्ड है आपके 112A में। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, मिस्टर मिथुन पेड टैक्स इन द डिफॉल्ट टैक्स रेजिमा, अज्यूम दैट ही इज हैविंग नो इनकम। अब डिफॉल्ट टैक्स रेजिमा के अंदर अगर आप जाते हैं तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, हालांकि 112A में भी यही कहा जाता है कि आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, और जो आपकी कॉस्ट जो इंडेक्सेशन अगर नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, तो जो डेट है जिस दिन ये प्रोविजन लाया गया था उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बता दी जाएगी। तो यहां पर जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम, पहले 100 शेयर का बताऊंगा आपका, जो ओरिजिनल शेयर उसके पास थे, जो ओरिजिनल शेयर 100 थे उसके पास 4000 के रेट पे उसने बेच दिया, ब्रोकरेज 1% है सेल्स कंसिडरेशन पे, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑन 31/1/2018, इंडेक्सेशन नहीं देंगे, वो अमाउंट हम यहां पर लिख देंगे, और ये आ जाएगा अमाउंट आपका 1,96,000। और ध्यान रखना जब टैक्स लगाने की बात आएगी तो उसमें 1,00,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट किया जाता है, वो हम इसे लास्ट में माइनस कर देंगे। फिर आते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि हमने शेयर अभी दोबारा से आपको बोनस के तरीके मिले थे, तो बोनस वाले शेयर को आपने इतने में खरीदा, और बोनस शेयर की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन
डिक्लेरेशन होती है वो होती है नील, और ये आपका टैक्स निकल गया, आपके डिविडेंड को आईओएस में से आईओएस वाले चैप्टर में ले गए, इस तरीके से आपका अमाउंट निकाल दिया। टैक्स जब निकाला जाएगा 112A वाले पे तो 1,00,000 रुपए एग्जम्प्ट कर दिए जाएंगे। सिंपल सा प्रोविजन था, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अब चलते हैं आपके कैपिटल गेन के आखिरी क्वेश्चन पे, स्लम सेल पे। ज्यादा चांसेस तो नहीं होते इनके आने के, लेकिन भाई अपना अपना अटेम्प्ट है, कभी भी गड़बड़ कर सकता है, तो इसलिए एक क्वेश्चन देख लीजिए आप। अगर आप इस क्वेश्चन को देख के चले गए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा स्लम सेल होता क्या है, आपको कैसे सॉल्व करना होता है। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर प्रोविजन बता देता हूं आपको। स्लम सेल का मतलब ये होता है जब आप असेट्स और लायबिलिटीज को पूरा ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब असेट्स को रियलाइज करते हैं, लायबिलिटीज को पे ऑफ वगैरह जब आप करते हैं, तो इस तरीके से आपका क्या नाम है स्लम सेल निकाला जाता है, जब आप एक पूरी की पूरी बिजनेस यूनिट को ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपको निकालना कैसे होता है, नॉर्मली जैसे आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे इसकी बिजनेस की नेटवर्थ। जब आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकाल रहे होंगे तो आप इंडिविजुअल असेट्स की वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जब आप नेटवर्थ निकाल रहे होंगे तब आपको क्या करना है, तब आपको असेट्स माइनस लायबिलिटीज करके नेटवर्थ को निकालना है। उसकी कुछ प्रोविजन है जो मैं साथ के साथ आपको बताता हुआ चलूंगा। तो मिस्टर ए एक प्रोपराइटर है आकाश एंटरप्राइज, हैविंग कितनी यूनिट्स, 2 यूनिट्स। ही ट्रांसफर्ड ऑन 1/4/2023 हिज 1 यूनिट, पूरी की पूरी यूनिट भेज रहा, ध्यान रखना, और नाम भी लिख रहा उसका स्लम सेल है, और टोटल कंसिडरेशन कितने की है, 25,00,000 रुपए की। स्लम सेल को साइड करके आप ये देख लीजिएगा, जब आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालते हैं तो उसका मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में नॉर्मली आपको ट्रीटमेंट करना है, मतलब 25,00,000 रुपए में बेची है, और जो फेयर मार्केट वैल्यू है कैपिटल असेट की वो 30,00,000 रुपए है। जब मैं 10% करूंगा, 110% करूंगा तो 27 पॉइंट कुछ आएगा उसका, और जो कि उससे भी ज्यादा है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी लेंगे हम, 30,00,000 रुपए लेंगे, ठीक है। यूनिट वन जो है स्टार्ट की थी उसने 2005-06 में, एक्सपेंस इनकर्ड इन द ट्रांसफर वो है 28,000 रुपए, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा आपका 30,000 रुपए, और माइनस कर देंगे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 28,000 रुपए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बैलेंस शीट में अब हम यूनिट वन को निकालते हैं, यूनिट वन ने क्या कहा जरा ध्यान से देखिएगा। यूनिट वन की असेट्स की बात की जा रही है, यूनिट वन की असेट्स में बिल्डिंग आती है 12,00,000 रुपए की, मशीनरी है 3,00,000 रुपए की, और डेटर्स है 1,00,000 रुपए के। बिल्डिंग जो है आपकी वो डेप्रिशिएबल असेट है, और बिल्डिंग को हम मान लेंगे कि उसने डेप्रिशिएबल अमाउंट पर ही लिखा है, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द असेट जो है वो मान लिया जाता है नेटवर्थ के अंदर। मशीनरी 3,00,000 रुपए की है, नीचे पढ़ेंगे अगर मशीनरी के बारे में डेप्रिशिएशन के बारे में कुछ लिखा है तो डेप्रिशिएशन को माइनस करेंगे ऑन फर्स्ट डे ऑफ द ट्रांस, जिस भी ईयर की बात की जा रही है, अदरवाइज सीधा सीधा माइनस कर देंगे, और डेटर्स की बात की जा रही है। क्वेश्चन पढ़ लूं मैं पहले एक बार, उसने कहा रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कराया था जो बिल्डिंग यूनिट वन की थी, उसे अप कर दिया गया यूनिट वन में। अब मैंने कहा रिवैल्यूएशन रिजर्व ये कहां लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पढ़ता हूं रिवैल्यूएशन रिजर्व का है, तो उसने कहा ये रहा रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है बिल्डिंग वन के लिए, कितने रुपए का बनाया था उन्होंने, 3,00,000 रुपए का बनाया था। इसका मतलब ये है कि जो बिल्डिंग यहां पर शो हो रही है उसमें 3,00,000 रुपए तो रिजर्व के बढ़ा के है, तो वो सब आपको नहीं कंसीडर करना है। तो जो बिल्डिंग की वैल्यू आप लेंगे अपने नेटवर्थ निकालते समय वो होगी 9,00,000 रुपए। फिर आते हैं और क्या दिया उन्होंने, कह रहे नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ असेट इज कंसीडर्ड इन द ट्रांसफर डीड, ये कंडीशन है आपको स्लम सेल वाले केस की। अदर असेट्स ऑफ यूनिट वन, उसके अंदर जो अदर असेट्स है वो एक अलग चीज है। यूनिट वन में पेटेंट जो है 1/7/2021 को खरीदे गए थे 50,000 रुपए के, जिसपे अभी तक कोई भी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया गया, जबकि हमको असेट की रिटर्न डाउन वैल्यू चाहिए। इसका मतलब जो अदर असेट्स हैं वो सब अपनी रिटर्न डाउन वैल्यू पे, बस आपको पेटेंट पे डेप्रिसिएशन लगाना है, और क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। तो हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे फटाफट से, देखिए स्लम सेल वाला क्वेश्चन क्या, आपको पहले नेटवर्थ निकालनी है, ठीक है। सॉल्यूशन उसका यहाँ पर है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जैसे नॉर्मली आपने निकाला, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 28,000 रुपए दिए, ये निकल के आ गया। अब ये जो नेटवर्थ की कैलकुलेशन है ये कैसे निकाला है ये आपको समझाता हूँ। बिल्डिंग उन्होंने कैसे निकाली, बिल्डिंग भाई 9,00,000 रुपए की, 3,00,000 रुपए का रिवैल्यूएशन रिजर्व हटा दिया, उसके बाद उन्होंने मशीनरी लिखी 3,00,000 रुपए की, डेटर्स लिखे 1,00,000 रुपए की, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया था। अब आते हैं अदर असेट्स में, उसने कहा अदर असेट्स टोटल कितने की है ये देखो पहले, तो अदर असेट्स पे आते हैं। अदर असेट्स टोटल है 1,50,000 रुपए की, जिसमें उन्होंने जो पेटेंट है जो 1/7/2021 को 2 साल पहले खरीदे गए थे उसे 50,000 रुपए का एज इट इज दिखा रहे हैं, और अभी तक कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। तो मैं बोलूंगा भाई पहले इस 1,50,000 में से आप 50,000 हटा लीजिए, बाकी जो 1,00,000 है मान के चलेंगे डेप्रिसिएशन जैसे प्रोवाइड होता है वैसे होता आ रहा है, उनके रिटर्न डाउन वैल्यू ही है। तो हम फटाफट से यहां पर माइनस कर देंगे 1,00,000 रुपए, ये रहे 1,50,000 में से 50,000 माइनस कर दिए, और नॉर्मली उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू रिमेनिंग की लिख दी। तो जो बाकी के 50,000 है उस पर 2 साल का रिटर्न डाउन वैल्यू का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, पहले उसका पेटेंट्स का आपको पता होगा इंटेंजिबल असेट्स पे निकाला जाता है 25% पे ब्लॉक के बेसिस पे, अगर 180 डेज से ज्यादा के लिए इस्तेमाल की गई है तो पूरा निकालेंगे, अदरवाइज हाफ कर देंगे, ठीक है। तो हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे फटाफट से कि उन्होंने कैसे निकाला पेटेंट का डेप्रिसिएशन। तो 1/7/2021 को निकाला उन्होंने 50,000 का, फिर 25% फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए निकाल दिया, फिर उनकी अगले साल की रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई, और फिर अगले साल के लिए उन्होंने डेप्रिसिएशन निकाला, तो ओपनिंग डे पे उनकी जो है रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई 28,125, ये उनको कंसीडर करना है अपने सॉल्यूशन में 28,125, ये रहा।
फिर आते हैं सर लाइबिलिटीज कैसे माइनस करेंगे, तो भाई लाइबिलिटीज में कैपिटल रिवेल्यूशन रिजर्व वगैरह तो छोड़ दीजिए, बैंक लोन है और ट्रेड क्रेडिटर्स है दोनों ही हम लेंगे। बैंक लोन उन्होंने कंबाइंड करके लिखा है 2 लाख, जो कि यूनिट वन यूनिट टू का दोनों है, उसने कहा 70% यूनिट वन के लिए, तो बैंक लोन आ जाएगा 70% 1,40,000 का, और जो ट्रेड क्रेडिटर्स है वो 25% यूनिट वन के लिए, तो 1,50,000 का जब आप 25% करेंगे तो शायद 37,500 आएगा, एक बार आप चेक कर लेना। तो आ जाते हैं हम फटाफट से, जी हाँ क्रेडिटर्स आ जाएंगे आपके 37,500 और बैंक लोन आ जाएगा 1 लाख, और ये आपकी नेटवर्थ निकल जाएगी। और यहाँ पर आकर मुझे जितने क्वेश्चन लगते थे कि आपको कैपिटल गेन के प्रैक्टिस करने में होने चाहिए, मैंने आपको प्रैक्टिस कराया, सुपर 40 की पूरी पूरी सॉल्यूशन करा दी है। जैसा आपने बताया था मुझे कमेंट बॉक्स में, वैसे आपने कहा कि एक मुश्किल चैप्टर लेके आइए, मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म हो गया, आप बोलोगे कि सर कैपिटल गेन को पूरा रिवाइज करा दो, प्रोविजन पूरे रिवाइज करा दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो गई है थोड़ी बहुत, तो अगर आप बोलोगे तो बड़े चैप्टर्स के मैं प्रोविजन भी रिवाइज करा दूंगा कंप्लीट तरीके से, जैसा आप बोलेंगे। और अगर आपको सुपर 40 की सॉल्यूशन सीरीज जो हम पहली बार यूट्यूब पर लेके आए, अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो को, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज प्लीज वीडियो को पक्का पक्का लाइक कर दीजिएगा, और जो इसके PDF वगैरह है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, मेहनत सच में अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और कोशिश करेंगे कि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर जो हम टारगेट कर रहे हैं इस एग्जाम्स में पूरे पूरे हो जाए। मिलता हूं आपसे अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।